हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एट विश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक है ये क्लास 12 से रिलेटेड है, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कोर। और ये प्रोजेक्ट रेल जो आप लोगों का अक्टूबर मंथ में DP से पहले, दुर्गा पूजा से पहले जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था, उसी से रिलेटेड MCQs और जो क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प। ठीक है, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 और एंड हाउ विल इट हेल्प, ये कैसे मददगार करेगा और ये 12 तक जो आप काउंट कर रहे हैं ये क्या किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ये दोनों जो है, एक जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें दोनों का क्वेश्चन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाउ इट विल हेल्प, तो इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी, इसे हम लोग परफेक्ट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ग्लूम एंड सैडनेस। ठीक है, ग्लूम माने क्या और सैडनेस, ग्लूम सैडनेस मतलब दुख, उदासी। ठीक है, तो ग्लूम और सैडनेस का क्या जो है कॉज है, रीज़न है। ठीक है, किस कारण से जो है हमारे में ग्लूम और सैडनेस यानी दुख, उदासी, यह सब चीज़ आता है। ठीक है, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा वगैरह, तो एब्सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं। ठीक है, तो मैंने ब्यूटी नहीं होगा तो दुख, दर्द, पीड़ा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव हेट्रेड एंड ग्रीड, ये हो सकता है। ठीक है, फिर द परस्यूट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस, ये भी ज़रूरी नहीं है। द लैक ऑफ मटेरियल पोजिशन, आपके पास धन संपदा वगैरह की कुछ कमी है तो चलो खैर मैंने दुखी होगा लेकिन उदास उस तरह से ये नहीं होगा। तो इसका मेन कारण है जो हम लोग में नेगेटिविटी थिंकिंग है। ठीक है, हार्टेड लिखा हुआ है, इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा हेट्रेड। ठीक है, तो ये हेट्रेड हो गया और साथ ही ग्रेड या लालच। ठीक है, हम जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, हमारे मन में जो लालच भरा हुआ है, हम लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, यही हमारी उदासी और दुख का कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। थर्ड नंबर, व्हाट डिस्टेंस डोंगलस, यहाँ भी देखिएगा स्पेलिंग काफ़ी मिस्टेक्स हैं, आप लोगों ध्यान दीजिएगा, DOUGLAS। ठीक है, डगलस। ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। ठीक है, लेक वेंटवर्थ की जब दूरी लेखक ने कवर की, ठीक है, ये YMCA पूल डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है, तो कितने दूर की उसने सफ़र की यहाँ पर लेक, ये जो झील है वेंटवर्थ, इसका 4 माइल की दूरी, 3 माइल की दूरी, 2 माइल की दूरी या 1 माइल की दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 माइल्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये 2 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड डगलस मदर रिमाइंड हिम। ठीक है, डगलस की माँ जो है उसे क्या याद दिलाती है, तो अबाउट द डीप YMCA पूल, ठीक है, WMCA ये तो होगा ही नहीं, YMCA था, अबाउट द ट्रेचरस याकिमा रिवर और अबाउट द ड्रॉनिंग्स ऑफ YMCA पूल। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप लोगों का अबाउट द ड्रॉइंग्स इन, ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कला वगैरह का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो एक ही चीज़ हमारे पास ऑप्शन बच गया, दैट इज़ ट्रेचरस याकिमा रिवर। ठीक है, ट्रेचरर मीन्स होता है खतरनाक, भयानक, डरावना, जानलेवा। ठीक है, तो उसे वही ट्रेचरस याकिमा रिवर के विषय में उसकी माँ उसको याद दिलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, विलियम डगलस, ये कौन थे, डीप वाटर चैप्टर के लेखक। ठीक है, इन्होंने ही अपने जो डूबने का किस्सा का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जर्नी, ये जो अंटार्कटिका की जर्नी किए जेफ ग्रीन और जो स्टूडेंट्स वगैरह लोग, ठीक है, तो इसका क्या पर्पस था, तो टू टूर वर्ल्ड, दुनिया भ्रमण के लिए, टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की खूबसूरती के लिए, टू नो द ज्योग्राफी मोर क्लोजली, या फिर भूगोल को और नज़दीक से देखने के लिए, या फिर टू सेंसिटाइज यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो एक तरह से आप लोग देखिएगा, ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के सारे सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं दिया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करना है, तो दैट इज़
टू सेंसिटाइज यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, यानी वहाँ युवा बच्चों को ले जाना, लोगों को ले जाना किस लिए, ताकि वो वहाँ जाकर उन्हें परिचित करा सके कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, ठीक है, हम लोग जो आजकल देख रहे हैं भीषण गर्मी बढ़ रही है, कृषि वगैरह का पतन होते जा रहा है, वाटर लेवल वगैरह ख़त्म होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर जो मतलब पतला होते जा रहा है, ये सारा चीज़, तो इन्हीं सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अंटार्कटिका जो है वहाँ आपका पूरा एकदम 90% जो है बर्फ़ से यानी आइस से घिरा हुआ है, ठीक है, पूरा एकदम आइसी आइस है, ठीक है। और वहाँ इस प्रकार से मतलब कितने लाखों किलोमीटर, इतना दूर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, इतना दूर दूर का जो आपका जो ये आइस बर्ग वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो हिमखंड वगैरह होते हैं, हिमशिला वगैरह होते हैं, ये सब घसकते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, आवाज़ करती है, ठीक है, वहीं इसी का ही आवाज़ सुनाई देगा, वहाँ चिड़िया उड़िया जानवर का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर देखने से आपको लगता है, ऐसे हम यहाँ पर बोल दिए कि आपको नहीं, वहाँ बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ गिर रहा है, तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वहाँ जाकर आप देखोगे कि पूरा एकदम बड़ा सा पहाड़ जैसा जो है, बर्फ़ का पहाड़ गिर गया, तब आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से परिचित कराने के लिए, सो द राइट आंसर इज़ टू सेंसिटाइज यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। 7, व्हाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी, ठीक है। जियोफ ने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी में, यानी कहाँ की जर्नी, अंटार्कटिका की जर्नी में क्यों ले गया, ठीक है। तो वही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, जैसे टू मेक देम टूर द वर्ल्ड, दुनिया घुमाने के लिए, टू मेक देम एंजॉय, एंजॉय करने के लिए, टू मेक देम फील रिलैक्स, रिलैक्स फील करेगा, या टू मेक देम अंडरस्टैंड द प्लान एंड रेस्पेक्ट इट, या इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि वे उसे समझें, प्लानिंग करें, उसकी इज्जत करें, ठीक है। ये देखने में इसमें भी सही, सारे जो हैं ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है लोग, जो कि हमारा लास्ट वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी समझेंगे अंटार्कटिका के बारे में कि उसका जो है कितना महत्व है, साथ ही साथ प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग, कि ये जो पिघल रहा है, ठीक है, बूंद बूंद करके या बड़े बड़े शिला के रूप में इस प्रकार से पिघल रहा है, तो उससे संरक्षित कैसे रखा जाए, बचाया कैसे जाए, क्योंकि ये अंटार्कटिका सेफ है, मतलब हम लोग सेफ हैं, ठीक है, और उसकी वो इज्जत करें, ठीक है। नेक्स्ट 8, व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट जो ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्पैनिश, ठीक है, स्पैनिश भाषा में। नेक्स्ट, पाब्लो नेरुडा के द्वारा, कीपिंग क्वाइट के जो ये हैं लेखक, वो आपके हैं कौन, पाब्लो नेरुडा, ठीक है, कीपिंग क्वाइट के लेखक, तो ये जो पोइट्री लिखी गई है स्पेनिश में, ठीक है। नेक्स्ट 9, व्हाट इज़ द अर्थ सिंबलाइज, ठीक है, परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, या स्टिलनेस, या ग्रीनरी, या प्रॉस्पेरिटी, तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी सारे ऑप्शंस जो हैं सही लग रहे हैं, लेकिन क्या, वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, परसेवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। आप क्या हो, पृथ्वी को देखोगे कि वो एकदम क्या है, स्टिल है, एकदम शांत है, स्थिर है, ठीक है, लेकिन मान लो सपोज़ यहाँ पर कोई बीज है ज़मीन के नीचे, ठीक है, कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इन द सेंस यहाँ पर कोई बीच पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, ये है आपका लैंड, ज़मीन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ हमें ऊपर से देखने में लगता है हम मनुष्यों को कि ये यहाँ पर क्या है, ये सूखी हुई है, यहाँ कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो बीज है ये अंदर ही अंदर अपना फंक्शन ये करते रहता है, ठीक है, पानी से, मिट्टी से, अपना भोजन, फॉस्फोरस वगैरह, पता नहीं क्या क्या और होता है, ये सारी चीज़ों से वो अपना कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहता है, लेकिन हमें ऊपर से देखने को नहीं मिलता, हमें लगता है कि ये क्या है, मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहीं देखोगे धीरे धीरे ज़मीन से वो फूट कर निकलता है, और इसी प्रकार से वो क्या करता है, एक पौधे का रूप लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो वही चीज़ है, परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, ठीक है, आप देखोगे न्यू बिगिनिंग यानी नई उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वो एकदम स्टिलनेस है, शांत है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, अब ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अंटार्कटिका जो है वो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस इन द सेंस कहने का मतलब वहाँ हर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है, वहाँ जाने की मनाही रहती है,
आपको स्पेशल वहाँ गवर्नमेंट से या फिर कुछ मैंने हाईली अथॉरिटी से आपको वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें भी आपको अकेले नहीं छोड़ देगा कि हाँ ठीक है तुमको परमिशन मिल गया जाओ घूम घाम के आ जाओ, ऐसा नहीं। ठीक है, वहाँ आप जो है उन लोगों की देख रेख में ही आप जा सकते हो। ठीक है, और ऐसे तो साधारण हमारे जैसे आदमी को वहाँ जाने भी नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं जाने देगा? बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड, क्या वो अत्यधिक ठंडा है इसीलिए, या बिकॉज ऑफ नो लाइफ वहाँ जीवन नहीं है इसीलिए, या फिर बिकॉज ऑफ स्नो वहाँ बर्फ ही बर्फ है इसीलिए, या टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखोगे जो है इसका भी सारे ऑप्शंस जो हैं सही लग रहे हैं। ठंडा भी है, जीवन नहीं है, स्नो है, एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन देखोगे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डी हो जाएगा ये। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कैसे? मान ले आदमी अभी ऐसा हो गया है हमारे और आपके जैसे लोग कि इनका बस चले तो ये क्या करे अंटार्कटिका में भी जो है आपका 8 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग बना के वहाँ भी रहने लगेगा, और इसका मैंने दिमाग मतलब क्या बोले वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वहाँ भी वो मतलब पेड़ उड़ लगा देगा, मैंने कुछ कुछ अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बना देगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए, एक तरह से उसे बचाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि अंटार्कटिका सेफ है, वो बर्फ के रूप में मतलब हम लोग सेफ हैं। ठीक है, ओके, सो लर्नर्स ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे जो हैं आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन जो है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।